Assalamualaikum friends, मेरा नाम है अफकान शरीफ और आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मित्र का। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले कुछ महीनों पहले तीन दिन हो गए मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हमने फिर एक फिजिबिलिटी शुरू की थी, ठीक है, बस के बिजनेस प्लान पे। ठीक है सर, आज फिर से हम से शुरू करेंगे क्योंकि पेपर वगैरह थोड़े बहुत हो रहे थे, सैनल वगैरह चल रहा था, इस वजह से लेट हो गए वीडियो बनाने में। अब इंशाल्लाह पॉसिबल हो सके तो रूटीन के साथ वीडियो बनाएंगे फिजिबिलिटी पर। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले हम जो है आम बर्ड जो वाइल्ड में मिले थे बर्ड उनकी फिजिबिलिटी करेंगे, फिर उसके बाद जो है फर्दर जो म्यूटेशन है उनपे उनकी फिजिबिलिटी करेंगे। आज जो फिजिबिलिटी है वो कोकर पर है, जो कोकर पैर था हमारे जिन्हें आमतौर पर हम बोधी वाला तोता भी कहते हैं। ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी बताऊँगा आपको, पूरा बिजनेस प्लान बताऊँगा कि फर्स्ट एक्सपेंसिव कितने करेंगे और उससे मुनाफा हम कितना हासिल करेंगे। ठीक है, मैं चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर से बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेंसिव की, कि हमने जो बिजनेस शुरू करने से पहले जो एक्सपेंसिव करने हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले केजी या कलोनी आ जाती है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप केजीज वगैरह ले लें, यानी कि एट वन पोर्शन बाय पोर्शन केज होता है वो ले लें। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कलोनी बनाकर भी काम चला सकते हैं, वो हमारे साथ है, 8,000 में तैयार हो जाएगी 5x10 की, जिस मैंने बनाई हुई अपनी। वैसे अपने पट्ठे वगैरह जो होते हैं वो छोड़ देता हूँ। उसके बाद बॉक्सेज आ गए, आम बॉक्सेज जो हमें 200 रुपये का मिल जाता है आराम से, तो अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमें थोड़ा सा उसमें गुंजाइश भी हो जाएगी, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो हमें मिल 200 का है। 10 अगर 10 पेयर की फिजिबिलिटी है, ये 2,000 जो है हमारा कि बॉक्सेस पे रेस्ट हो जाएंगे। फिर सीड आ जाएगी हमारी, मिक्स सीड हमने जो कॉक्टर पर डालनी है वो हमारा 50 kg का 5,000 रुपये का तकरीबन, वो 50 kg आ जाएगी, उसमें हमारी जो है टेंशन खत्म हो जाएगी दाने की साइड से। और 4 और 6 पानी के लिए बर्तन लेना है, एक अपने दाने के लिए बर्तन लेना है, एक 4 फुट के लिए लेना है, और कुछ स्टिक्स वगैरह होंगी वो है, आप जैसे मर्जी अगर आपके पास पड़ी है तो आप वो लगा लें, आप स्टिक ऐसी लगा लें ताकि वो हिले ना। 400 रुपये ये हो गया। अदर एक्सपेंसिव में विटामिन दालें वगैरह या सौंफ जो हम देंगे वो हम लगा लेते हैं, 500 रुपये ये हो गया। 15,900 जो हमारा फर्स्ट एक्सपेंस होगा जो हम कारोबार या शौक शुरू करने से पहले लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो बर्ड होगा वो मैं फ्लिप करता हूँ और आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अब बात आती है बर्ड की, जो हमने मेन पर्पस के लिए अपने फर्स्ट एक्सपेंसिस किए हैं वो आगे बर्ड, वो हमें 3,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, जो ग्रे है हमारा आम तो 2500 रुपये का ही पेयर मिल जाता है, तो इस वक्त जो बर्ड का जो रेट चल रहा है वो थोड़ा बड़ा बढ़ाने की वजह से हमारे हिसाब लगा लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि 3,000 रुपये का पेयर मिलता है, हमें 10 पेयर ले रहे हैं तकरीबन 30,000 रुपये के मिले पेयर मिल जाएंगे 10 पेयर। ठीक है भाई, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट 30,000 जो मैं 15,900 होगी, जो 45,900 जो है हमारी फर्स्ट एक्सपेंसिज होंगे ये समझ लें, या हमारी इन्वेस्टमेंट होगी जो हमने अपने बर्ड पर या कारोबार शुरू करते हुए लगानी है। ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रॉफिट की, चिक्स कितने आएंगे उसकी, या बर्ड की जो अंडर की एवरेज है वो कितनी होगी। ठीक है, इसकी पर पेयर की पर एवरेज होती है 4 से 5, अगर खुराक अच्छी हो तो वो 6 भी दे देता है आराम से। ठीक है, अगर आप 4 फुट अच्छा दें और खुराक अच्छी दें तो वेल डन हो जाएगा। 4 से 5 हम एवरेज लगाते हैं क्योंकि बाद का एक मर भी जाता है, डेड इंशायर भी हो जाता है, बाद 100 मसले होते हैं। चिक्स पर क्लच, देखिए एक क्लच में कितने चिक्स आएंगे, वो 4 एक पेयर से आएंगे, एवरेज लगा रहे हैं ना, तक क्योंकि कुछ बर्ड होते हैं वो मर भी जाते हैं या एक्सपायर वगैरह, 100 मसले वगैरह होते हैं, हम 4 फर्ज करते हैं, 10 पेयर 40 बच्चे हमारे पास ये हो गए फर्स्ट क्लच के। अगर हम 3 क्लच लेते हैं अपने बर्ड से, 40 से 3 करते हैं तो 120 बच्चे हमारे पास हमें जो है मिलते हैं। हमने बात आती है सेल करने की बात, कि हम सेल किस तरह करेंगे या किस प्राइस में करेंगे। सेल करने की इतनी टेंशन नहीं है, फेसबुक पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उनमें ऐड हो, उन पर अपनी ऐड लगाई या अपनी शहर में या किधर भी मार्केट है तो आप दो जाके दुकान पे सेल कर सकते हैं आराम से। 2,000 रुपये का हमारा पेयर सेल होता है पट्ठों का। ठीक है, 120 बच्चे थे यानी कि 60 पेयर बने, ये 1,20,000 हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, अगर 1,20,000 में से हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, देखिए
1,20,000 में से हम 45,900 रुपये निकालते हैं तो 74,100 रुपया हमारा मुनाफा, जो 100 को छोड़ो 74,000 हमारा मुनाफा है एक सीजन का, यानी कि 3 क्लचेज दे। अगर हम चार क्लचेज की बात करते हैं तो हमारे पास 160 बच्चे आते हैं, 160 बच्चे आएंगे यानी कि 80 पेयर हो गए हमारे पास। 80 पेयर को 2,000 के हिसाब से हम सेल करते हैं तो 1,60,000 जो हमारा होगा प्रॉफिट होगा। अब इसकी प्रॉफिट की बात करते हैं यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो निकालते हैं तो हमारे पास 1,14,100 रुपये पैसे जो हमारा प्रॉफिट है, 1,14,000 आप बात कर लें, 14,000 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने बर्ड का जो कारोबार है या कोई बिजनेस है बढ़ा सकते हैं उससे, या कोई अच्छी चीज़ डालना चाहें या उससे ऊपर म्यूटेशन आती है कॉमन क्रीम कलर की वो डाल लें, पर्ल डाल दें, बहुत से म्यूटेशन आप वो डाल लें, इंशाल्लाह आपके लिए वो भी फिजिबिलिटी लाएंगे, उससे हम कितने पैसे लगा के उससे कितने हासिल कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये आज की फिजिबिलिटी थी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।